दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के ठंडे। दूसरा नाम हाफिज साहिल है, हाफिज साहिल साहिब आए दिया दिया के तरीके रुपी अशाह और इमाम साहिब आए हाफिज मोहम्मद सादिक रजा और दिया दिया अल्लामा रहा हाफिज शाह मोहम्मद करीम मजीद भी उसी साहिब आए वैशाली हाफिज मोहम्मद सादिक रजा साहिब आए। चौथा नाम हाफिज आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। छठा नाम हाफिज मोहम्मद नौशाद बंदिया गुलाम चिरानी साहिब आए जफरपुर माशाअल्लाह। ये की दस्तारबंदी का नूरानी मंजर आपकी निगाहों के सामने है और मोदी मदरसा मदीनती मुल्लूम के हवाले से बस शेर से बनना चाहता हूँ। ये मदरसा है तेरा मैं कना नहीं चाहता, ये मदरसा है तेरा मैं कना नहीं चाहता, यहाँ की खाक से ईसा बनाए जाता, तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज बनाया है, तू आसमां के सितारों की बात करता है, जरा बोलते खड़े हैं तो अपने हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हजरत मदरसा मदीनत मुल्लूम जश्ने दस्तार बंदी न तो सस्ता न तो महंगा मदीना काम करता है, फकत इश्क शहंशाह मदीना काम करता है और दुल्हने तुम्हारे मंतबों में दुनिया वालों लग गए ताले, नबी का रंग तो सीना पसीना काम करता है, तुम्हारे मंतबों में दुनिया वालों लग गए ताले, नबी का रंग तो सीना पसीना काम करता है। हजरात ये वो उपवास है इंशाअल्लाह ताला ये आलिम भी बनेंगे। जिंदगी में एक इंसान होता है एक मर्तबा तुम्हारा बढ़ता है, लेकिन जब कोई भी शख्स मदरसे में अपनी जिंदगी को गुजारता है वो एक मर्तबा नहीं बल्कि हर साल दूना बढ़ता हुआ बराबर है। सुभान अल्लाह मदरसा मदीना की मरम्मत की गोद से निकलने वाले ये छह बार ये छह बार भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने कौम की मजहबी जुल्फे संवारने के लिए माशाअल्लाह और बहुत ही बेहतरीन हजरत अल्लामा डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब तहला ने क्या क्या खिताब दिया है कैसा लगा।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سبحان الله. مدر صاحب مدینہ کی مدرون کی قوم سے نکلنے والے یہ طلبہ حضرات ہم کی دستار بابی کا نورانی منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا سب کو عالم کا عمل کرائے اور شریعت مصطفیٰ پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے نماز سے پرہیزگاری عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ تمام حضرات بیٹھ جائیں بیٹھیے بیٹھ جائیں کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی بھی حال میں میرا وہی دیوار پر بیٹھے وہی دیوار پر بیٹھے وہی دیوار پر بیٹھے میں ایک شاعر حضرت نصیب سے گیا